हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बी एसिड रिव्यू। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भोला मूवी के डे 17 की कितनी एडवांस बुकिंग हुई है, ये मूवी डे 17 पर किस तरीके से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली है, और वहीं अभी डे 16 के इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के क्या अर्ली एस्टिमेट निकल कर सामने आ रहे हैं कि इस मूवी ने डे 16 पर कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें को देख सके। तो फैन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भोला मूवी का बजट है 80 करोड़, यानी कि 80 करोड़ के बजट में यह मूवी बनी है। और इस मूवी का पहले 15 दिनों का जो इंडियन नेट कलेक्शन निकल कर सामने आया है वो लगभग 78.5 लाख है, यानी कि 78.50 करोड़ का इस मूवी ने पहले 15 दिनों में ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है इंडिया से। और वहीं डे 16 यानी कि आज के जो इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अर्ली एस्टिमेट निकल कर सामने आए हैं वो लगभग 1.70 करोड़ से 2 करोड़ के हैं, यानी कि ये मूवी आज 2 करोड़ कमाते हुए दिखाई दे रही है। अगर इस मूवी के नाइट शोज अच्छे हो जाते हैं तो ये मूवी 110% 2 करोड़ पार कर सकती है। तो दोस्तों, इस तरह अगर बात करें इस मूवी के डे 17 यानी कि कल सैटरडे है, थर्ड सैटरडे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है भोला मूवी के लिए। और भोला मूवी के डे 17 की जो अभी तक एडवांस बुकिंग निकल कर सामने आई है वो लगभग 17 लाख की है, यानी कि 17 लाख की इस मूवी की विद ब्लॉक सीट ग्रॉस एडवांस बुकिंग हो चुकी है अपने थर्ड सैटरडे पर। तो दोस्तों, इस तरह अगर बात करें भोला मूवी डे 17 पर कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है, तो मेरे ख्याल से भोला मूवी कल 3 करोड़ तक जा सकती है, यानी कि जिस तरह से आज इस मूवी के कलेक्शन में जंप देखने को मिला है वैसे ही यह मूवी कल 3 करोड़ तक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। तो दोस्तों, इस तरह क्या लगता है आपको, क्या भोला मूवी कल ऐसा कर पाएगी या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो को देख सकें।